हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम महकार सिंह, योर इंग्लिश टीचर। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड, चैप्टर 8 द पास्ट टेंस। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस, इन द सिंपल पास्ट टेंस द एक्शन इज सिंपली मेंशन्ड एंड अंडरस्टूड टू हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट। The action started and ended sometime in the past, but the time may or may not mention. देखिए स्टूडेंट, पास्ट टेंस में क्या है, पास्ट में ही काम स्टार्ट होता है, पास्ट में ही खत्म होता है। जैसे कि मोहन स्कूल जाता था, तो ये पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। लेकिन इसमें क्या है, समय नहीं दिया होता है। ठीक है, अब देखिए द सिंपल पास्ट टेंस एंड इट्स यूज। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस और इसका यूज, कंस्ट्रक्शन सिंपल पास्ट फॉर्म और पैसिव में हो जाएगा, बाज वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यू में, हाँ, यू यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, whether a long time ago or very recently. For example, thousands of years ago, mammoths lived on the earth. देखो, हजारों साल पहले mammoths जो है पृथ्वी पर रहते थे। Mr. John's famous book was published in 1755. देखिए, मिस्टर जोन्स की जो पुस्तक है वो 1755 में पब्लिश्ड हुई थी। आई बॉट ए न्यू कार लास्ट वीक, और पिछले सप्ताह मैंने एक नई कार खरीदी थी। द प्लेन फ्रॉम लंदन लैंडेड ए फ्यू मिनट्स एगो। देखिए, जो प्लेन है वो लंदन के लिए कुछ ही मिनट पहले लैंड किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस में, यानी पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट में क्या है कि पास्ट टेंस में की स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब की सेकंड का फॉर्म यूज, प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स है और इसके ये नियम है। ठीक है, और देखिए पास्ट कंटिन्यूस। अब देखिए स्टूडेंट, पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, जैसे मोहन स्कूल जा रहा था, हम विद्यालय में खेल रहे थे, तो इस टाइप के सेंटेंस में क्या है, इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए फॉर इसके ये पढ़ेंगे हम द पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड इट्स यूज। देखिए, कंस्ट्रक्शन वाज वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसकी आपको ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरीके से इसे समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई, और कल मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझसे बताना, मुझसे कांटेक्ट करना। ठीक है, और देखिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, कल मैं पास्ट टेंस की एक्सरसाइज करा दूँगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।